योर होस्ट आई एम विद यू। आज मैं सिनेप्लेक्स सिनेमा में हूँ टोरंटो में और हम लोग द मोस्ट फेमस द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो देखने जा रहे हैं और इसके ऊपर अपना भी ओपिनियन देंगे और लोगों के रिव्यूज़ भी उनसे उनकी राय भी जानेंगे और ये एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की एक अच्छी कोशिश है क्योंकि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बड़ी मेगा कॉस्ट है जिसमें फवाद खान हैं जो कि मौला जट हैं और हमजा अली अब्बासी जो हैं वो नूरी नत और माहरा खान हैं और बहुत से इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो फिल्म देख के आपके साथ शेयर करते हैं कि जितनी इसके साथ एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं क्या ये उन पर पूरा उतरती है और लोगों से भी इस बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। मेरे साथ यूसुफ साहब हैं, ये भी हमारे साथ थे अंदर सिनेमा में, भी हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो हम देख के बाहर आए हैं। तो यूसुफ सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वाले सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। तो ओवरऑल एक तो बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं इस मूवी को, ऑल्दो कि इट्स अ रिवाइवल ऑफ अवर सिनेमा, हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई भी थी इस मूवी की, द लेजेंड ऑफ मौला जट, और इतनी मेगा कास्ट फिर इसके अंदर हमारी जो है, तो मैं तो आई विश देम के सक्सेस, लेकिन पहले आप बताएं कि आप क्या, आपने किस तरह से देखा इसको? नहीं, मूवी जो है अच्छे एक बिग स्केल में बनी हुई मूवी, तो मगर मेरे ख्याल में थोड़े से वायलेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है। तो वैसे अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो एक्टिंग वगैरह अदाकारी वगैरह, तो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। तो आप वायलेंस से मुराद आपकी कि बच्चे तो नहीं देख सकते? बच्चे नहीं देख सकते, बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये वो एक तो मौला जट का जो है ना करेक्टर, इसमें करेक्टर तो जो पिछली मौला जट थी जाहिर है वो वायलेंस उन्होंने कंटिन्यूस किया है, तो उसको अगर थोड़ा सा अभी न्यू जनरेशन आ गई है इसके हिसाब से थोड़ा सा कम करते हो जाते तक, जिसको हम गंडासा कल्चर बोलते हैं, गंडासा कल्चर बोलते हैं वो सुल्तान राय का जो कल्चर था उसको पोर्ट्रे उस तरह से किया गया है, बट ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी और जो इक्विपमेंट और जो चीजें यूज की गई, दैट वाज एक्सीलेंट, उसे हमें क्रेडिट देना चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास मूवी बनाने की कोशिश की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मूवी थी, बिल्कुल, बाकी उसमें तो बड़ा मजा आया सब कुछ जी। तो थोड़ा सा फिक्शन जो है वो आप देखते हैं कि ज्यादा हो गया, या जो मौला जट एक्चुअल करेक्टर है क्योंकि हम तो जानते ही हैं उसको जी जी। और नूरी नाथ का जी जी। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, थोड़ा फिक्शन ज्यादा ही हो गया, थोड़ा मतलब है कि कल्चर से तो हट के फिल्म है, अपना तो पाकिस्तान का या पंजाबी कल्चर ये नहीं है, मगर फिर ज़ाहिर फिक्शन है तो शो करना पड़ता है, सो भी बिल्कुल मूवीज में तो आपको पता है कि इस तरह से करना पड़ता है। तो ओवरऑल बिकॉज़ अब एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए तो बड़ी अच्छी पिक्चर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि बड़े अरसे बाद इतने लेवल पे, इतनी हाई लेवल पे पाकिस्तान की फिल्म बन रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकती है। दैट्स ट्रू। थोड़ा सा टर्न आउट कम है लोगों का, तो इसमें हम अपने चैनल के वसातत से भी लोगों को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप आएँ, हमें इस बीइंग पाकिस्तानी सपोर्ट करना चाहिए अपनी जो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री है, अगर ये उसका रिवाइवल हो सकती है तो प्लीज़ आएं देखें और इसमें अपना किरदार अदा करें। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी को आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा मुल्क के भी हालात ऐसे हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, बड़े अरसे बाद एक ऐसी फिल्म मिल रही है जो लोगों को एंटरटेनमेंट दे सकती है, तो आना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, मुल्क का साफ इमेज जाएगा, तो हमारे लिए भी, हमारे लिए भी एक एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे मतलब ये हो सकता है, बिल्कुल देखते हैं कि अपनी कोई मुल्क की मूवी आए हम देखें और इंटरनेशनल लेवल की वो कम्पीट करे दूसरे मुल्कों से, तो दैट्स आल्सो गुड स्टेप, गुड जेस्चर है और मैटर ऑफ प्राइड भी है। व्यूअर्स, आप ये कर सकते हैं कि आप अगर बच्चों, फैमिलीज हैं आपके साथ, तो साथ ही बच्चों की भी मूवीज लगी हुई हैं, बच्चे वहाँ जाके वो देख सकते हैं जी जी। और आप लोग जो हैं साथ वाले सिनेमा में एडल्ट मूवी जो देख सकते हैं, दैट कुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समराइज किया और इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे उसके ऊपर इन्होंने रोशनी डाली। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे साथ अब मैडम इफ्फत साहिबा हैं और ये अभी द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है देखने यहाँ आई हैं, एंड शी इज सो सो एक्साइटेड। तो कैसा देखती हैं बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी कनाडा में, जब इट लुक्स लाइक कि ये मूवी हमारे सिनेमा का रिवाइवल भी हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री बैठी हुई है, कोई अच्छी खबरें नहीं आती, तो जब इस तरह की कोई इंटरटेनमेंट चीज आती है तो हमें डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए। आप क्या कैसे देखती हैं? मैं बिल्कुल, मैं अपने बहुत ही ज्यादा अपने मुल्क की जो चीज होती है उसको सपोर्ट करती हूँ, और हम चार फ्रेंड्स हैं जो हम मिलकर आए हैं, जिनमें से दो एक को पंजाबी भी नहीं समझ आती, लेकिन जस्ट टू सपोर्ट
एंड द कास्ट इज ब्यूटीफुल कास्ट इज अमेजिंग इट्स अ मेगा कास्ट अमेजिंग बाबर अली का नाम लें रेशम लें हमजा अली अब्बासी हैं मेन करेक्टर फवाद का है मुझे पर्सनली लगता है कि शायद अगर फवाद की जगह पे रिवर्स कर देते ना हमजा अली अब्बासी को ले आते मौला जट की जगह पे बिकॉज़ ही इज अ बिल्ड स्ट्रांग बिल्ड यू नो द मसल दैट थिंग तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगा कि यार अगर रिवर्स कर देते तो शायद इसका और इम्पैक्ट होता उस चीज का इन एनी केस बट वी आर सपोर्टिव ऑलवेज क्योंकि हमारा मुल्क है बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बाहर बैठे हुए ज्यादा वो उसका एहसास होता है वी आर हैप्पी कि एक ब्लॉकबस्टर मेगा किस्म की मूवी है और लोगों को क्या कहेंगे उनको आना चाहिए क्योंकि मुझे इतने ज्यादा लोग दिख नहीं रहे तो मैं इसलिए इस वतादत से ये भी कहना चाह रहा हूँ लोगों को प्लीज कम आउट अपने लोगों को सपोर्ट करें असल में ये भी बात है कि हर एक को पता भी नहीं है अब मेरी फ्रेंड ने आज रात को मुझे कहा कि ये तुम्हें जाना है मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें जरूर जाना चाहिए या हो सकता है मैं दो एक दिन टाल देती लेकिन जब उन्होंने कहा तो फिर मैं आई उसके अंदर हमारे सहेल अहमद है कॉमेडियन जो है वो भी एक लेजेंड है आपको पता है तो मैं खुद भी वो देखने वाला हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है ज्यादा तो आप भी देखिएगा वो इंडियंस के साथ मिलके पंजाबी के साथ उन्होंने बनाई है तो इट्स अ ग्रेट ब्लेंड आल्सो तो थैंक यू सो मच और एंजॉय कीजिए सेम हियर जी व्यूअर्स मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस वक्त मेरे साथ मिस नसरीन और मिस देबा हैं और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि ये हमारे इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर का हसीन इम्तिजाज है तो ये दोनों रिलेटिव्स भी हैं और दोनों मिलके जो है ये पाकिस्तानी जो मूवी है द लेजेंड ऑफ मौला जट उसे देखने आई हैं तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और आप बीइंग इंडियन बैकग्राउंड आप कैसे देखती हैं I love watching Pakistani drama. मुझे बहुत अच्छा लगता है characters, the way they portray. So of course being a fan of Fawad Khan and Hamza Ali, मुझे देखना था. And बहुत reviews देखा सब कुछ तो बहुत shock है. I understand Punjabi इन लोग की वजह से. So I'm very excited. I wish this was India में इसको release किया गया होता. They would have loved it. That would be great. सही कह रही हैं आप क्योंकि वहाँ पे भी huge support है. लाखों ने मुझे लगता है करोड़ों लोग जो हैं वो फवाद खान को माहिरा खान को हमजा अब्बासी को जो लव करते हैं तो हमें पीस हम भी ऑलवेज यही कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं तो जो पीस है उसको प्रवेल करना चाहिए और उसको ही पीस ही सलूशन है हर चीज़ का तो आप कितनी एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर मैं बहुत ओवरली एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़ी देर बाद इस तरह की मूवी जो है वो रिलीज हो रही है पाकिस्तान की तरफ से तो आप शारी साहब ने बहुत अच्छी एफर्ट की है बिल्कुल बिल्कुल हम उनके भी थैंकफुल हैं और आप किसकी फैन हैं किसको देखने आई हैं I'm not particularly fan for anybody, but I want to support my your community and your cinema. Yes, yes, that's great. मैं specially आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप देखने आई हैं पाकिस्तानी मूवी. I'm so thankful to you. I'm so grateful. Shina Fawad Khan. Okay. And I appreciate all of them because they are very good actors. बिल्कुल. और हमारे community के लोगों को भी आना चाहिए. और लोगों को आना चाहिए ताकि हम support करें अपने cinema को. तो आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का होपफुली आप इंजॉय करेंगे थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स वेलकम बैक अगेन और इस वक्त मेरे साथ समी साहब हैं और उनके साथ उनके साहबजादे हैं सर वेलकम टू द शो और आप भी देखा है मूवी हम भी देखा है जी इट वाज सुपर अमेजिंग मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं बट ओवरऑल आप कैसे देखते हैं पहले फिल्म बहुत अच्छी थी थोड़ी सा साइंस फिक्शन आप इसको कह लें मौला जट का किरदार उन्होंने कुछ मतलब वो उसमें वो वाले एलिमेंट को काफी ज्यादा मिक्स कर दिया लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछे मैंने इस फिल्म के लिए कई साल इंतजार किया और आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मेरा फेवरेट किरदार अगर आप पूछे तो हमजा अली अब्बासी ने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया इसमें दैट्स ग्रेट तो जैसे आपने कहा कि फिक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसके अंदर ऑफ कोर्स बेहतर हो सकती थी लेकिन ओवरऑल लगता है कि वर्ल्ड क्लास मूवी है और लोगों को आना चाहिए डेफिनेटली लोगों को बिल्कुल आना चाहिए देखिए एक मौला जट का किरदार हमारे जहन में पुराना है जो सुल्तान राही मरहूम ने निभाया था और मैं जब यहाँ पे फिल्म आने से पहले मेरे जहन में ये सवाल जरूर था कि क्या आया कि उनके उस किरदार के साथ मवाजना अभी जो हम करने जा रहे हैं क्या उनके साथ इंसाफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स कुछ बेहतरी की गुंजाइश है लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतरीन किस्म का जो है ना इसके साथ इंसाफ किया गया करेक्टर के साथ एक्सीलेंट प्रोडक्शन और इक्विपमेंट सिनेमेटोग्राफी एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक जी तो थैंक यू सो मच आपके साथ आपके साहबजादे सैयद मोहम्मद ईसा सैयद
तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है देख के, स्पेशली कैनेडियन बॉर्न जो बच्चे हैं कि उनको भी अपना कल्चर और कुछ इंटरेस्ट उसमें शो हो रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ आपको देख के आप ये देख रहे हैं। बट व्हाट इंस्पायर्ड यू और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसके अंदर? मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसका विलेन हमजा अली वासी है। फिल्म कैसी लगी ओवरऑल? अच्छी थी। दोबारा से भी देखने का मूड बना है अब ये मूवी देखने के बाद? दिल तो कर रहा है। ग्रेट, अमेजिंग। नहीं, मुझे भी कह रहा था अभी हम जब बाहर निकल रहे थे ना सिनेमा से, देखते हुए कह रहा था पापा दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने पंजाबी मूवी देखी है, बट आई विल लव टू सी अगेन। दैट्स सुपर सुपर अमेजिंग। हम सब लोग व्यूअर्स बहुत हैप्पी हैं। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा फिर आप लोगों को, आइए देखें, अपने सिनेमा को सपोर्ट करें, अपने कंट्री को सपोर्ट करें, अपने एक्टर्स को सपोर्ट करें। एक चीज़ जो पहले भी मैंने डिस्कस की है, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हमजा मौला वो उसके करेक्टर में आता मौला जट में और फवाद जो है वो नूरी रथ में चला जाता या वाइस वर्सा, तो और एक ज़बरदस्त चीज़ बन सकती थी, क्योंकि हमजा का थोड़ा सा बॉडी बिल्ड जो है मस्कुलर बॉडी उस वजह से, बट ओवरऑल एक्सीलेंट। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का, और आपने बहुत अच्छा जो है वो रिव्यू दिया इसके ऊपर। थैंक यू कि कैसा क्या तासर है आपके ओवरऑल? आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और मैं फवाद खान के लिए आई हूँ बेसिकली, बिकॉज आई थिंक फवाद खान कम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो मैं फवाद खान के लिए आई हूँ देखने के लिए। दैट्स ग्रेट टू नो। आप समझती हैं कि कुछ ज़्यादा ही एक्शन हो गया इसमें, बच्चे देख सकते हैं आपके ख्याल में? No, I don't think so. It's an adult movie. Because it was a lot of action, और मुझे personally लगता है कि हमारा जो पंजाबी कल्चर है उसको पोर्ट्रेट किया गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही उसको aggressive तरीके से दिखा दिया गया। But still हमें आना चाहिए, being overseas पाकिस्तान इसको देखना चाहिए, support करना चाहिए, support तो करना चाहिए। पाकिस्तानी movie लगी है तो मैं try करती हूँ कि मैं कोई भी पाकिस्तानी movie लगी कैनेडा में मैं देखने ज़रूर आती हूँ। It doesn't matter कि movie अच्छी है बुरी है, लेकिन मैं हमेशा आती हूँ। ये आप ट्रू आपकी स्पिरिट है कि अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। yes, अच्छा एक और मूवी लगी